आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में DLED फर्स्ट ईयर 2022-24 सेशन वाले बच्चों के लिए सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पार्टिकुलर सिलेबस का चल रहा है सीरीज, जिसमें मैंने 7 पेपर तक जो है कंप्लीट किया है। आज हम जो है पेपर एफेट, जिसमें जो है आपको हिंदी का शिक्षण शास्त्रीय प्रथम प्राथमिक स्तर के बारे में जो है आपको पढ़ना है, इसके जो है पूरे सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि इस पेपर में जो है क्या पढ़ना है, कितना यूनिट पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर जो है अध्ययन अवधि की बात की जाए तो ये जो है आपका 40 घंटे का जो है पूरा सिलेबस है, और इसमें जो है नंबर की हम बात कर ले तो इसमें जो है टोटल आपका जो है 50 नंबर होता है, जिसमें आपका एक्सटर्नल जो होता है सेंटर पर एग्जाम जो होता है आपका, एक्सटर्नल आपके जो होता है 35 नंबर का होता है, और इंटरनल जो होता है आपका 15 नंबर, जो कि कॉलेज के हाथ में होता है, उस टीचर के हाथ में होता है। उससे भी ज़्यादा आपको मैं बता दूं कि आपका टोटल नंबर ऑफ एग्ज़ाम जो होता है, मतलब 2 बार होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और 12 पेपर आपके एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें आपका 1000 नंबर का एग्ज़ाम होता है, और आपको जो है इसमें 400 कुछ नंबर जो है आपका इंटरनली होता है, और 500 कुछ नंबर जो होता है आपका एक्सटर्नली होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, तो इसमें जो है केवल आपको जो है 4 यूनिट ही जो है आपको पढ़ना है। कितना पढ़ना है? यूनिट 4 तक ही जो है आपको पढ़ना है। तो पहला यूनिट की हम यहाँ पर बात कर ले तो यहाँ पर है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी प्रकृति एवं उनके शिक्षण के उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर जो है हिंदी और प्रकृति एवं उनके शिक्षण के उद्देश्य के बारे में जो है जानना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जिसमें जो है केवल आपको जो है 3 बिंदु ही जानना है। पहला जो है आपका इकाई का नाम क्या है, कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी क्या है, और प्रकृति एवं उनके शिक्षण के उद्देश्य, जिसमें जो है बच्चों की दुनिया में हिंदी, बच्चों की दुनिया में जो है हिंदी कैसे आता है उसके बारे में जानना है। दूसरा यहाँ पर बिंदु है कि हिंदी भाषा की प्रकृति एवं प्राथमिक स्तर पर हिंदी की समझ। हिंदी भाषा की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ लैंग्वेज, मतलब नेचर ऑफ हिंदी लैंग्वेज, और साथ ही साथ जो है प्राथमिक स्तर पर जो है हिंदी की समझ क्या है। अगला यहाँ पर जो बिंदु है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रश्न आते ही आएंगे एग्जाम में। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 और बिहार पाठ्यचर्या रूपरेखा 2008 के आलोक में हिंदी भाषा का उद्देश्य क्या, उद्देश्य को समझना, ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका NCF की बात कर रहा है 2005, और यहाँ पर जो है आपका BCF की बात कर रहा है 2008, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 और विद्यालय बिहार पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2008 के आलोक में हिंदी भाषा के उद्देश्य की समझना। समझ गए? अगले हम यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला यूनिट में जो है आप देख सकते हैं कि यूनिट 2 है, जहाँ पर आपका प्राथमिक स्तर पर हिंदी पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की समझ के बारे में जानना है। यहाँ पर क्या जानना है? प्राथमिक स्तर की हिंदी पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की समझ के बारे में जानना है, जिसमें आपको जो है केवल 3 ही बिंदु जो है आपको पढ़ना है। पहला बिंदु की बिहार के प्राथमिक स्तर की हिंदी के पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के उद्देश्य। पहला क्या है? बिहार के प्राथमिक स्तर की हिंदी के पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के उद्देश्य। समझ गए कि बिहार के जो है प्राथमिक स्तर की हिंदी के पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानना है। फिर दूसरा यहाँ पर बिंदु है कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम की संरचना। प्राथमिक स्तर पर जो आपका पाठ्यचर्या है पाठ्यक्रम है, इसकी संरचना। समझ गए? आगे की हम बात कर ले तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी की पाठ्य पुस्तकों एवं अभ्यास प्रश्नों की प्रकृति की समझ। हिंदी स्तर की जो हिंदी की पुस्तकें हैं और उसके जो अभ्यास प्रश्न की प्रकृति को समझ, प्रकृति को समझना। समझ गए? ये जो है आपको पढ़ना है इसमें यूनिट 2 में। आगे हम बात कर ले यूनिट 3 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिट 3 जो है थोड़ा ज़्यादा लंबा है। यहाँ पर देख लीजिए कि भाषाई क्षमताओं का विकास सुनना और बोलना, भाषाई क्षमताओं का विकास सुनना और बोलना के बारे में जानना है, जिसमें आपको जो है केवल 5 जो है यूनिट, मतलब 5 जो है आपको पॉइंट पढ़ना है, जिसमें आपका पहला पॉइंट है कि भाषाई क्षमताओं का या संकल्पना, विभिन्न भाषाई क्षमताएं और उनके बीच आपसी संबंध। समझ गए? भाषाई क्षमताओं की संकल्पना, विभिन्न भाषाई क्षमताएं और उनके बीच आपसी संबंध के बारे में जानना है। फिर अगला जो यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर है सुनने और बोलने का अर्थ क्या है, सुनने और बोलने का अर्थ। अगला यहाँ पर बिंदु है सुनने और बोलने को प्रभावित करने वाले कारक, जो यहाँ पर सुनने और बोलने के जो अर्थ है उसको समझिए, और इसका कारक भी समझना है कि कौन कौन से कारक जो है इसको प्रभावित करते हैं, इसके बारे में जानना है। फिर यहाँ पर जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों के सुनने और बोलने की क्षमताओं का विकास कैसे करेंगे। समझ गए? अब इससे बहुत सारा चीज़ें दिया हुआ है,
कि आप जो है आज की बात बातचीत अपने बारे में बात करके स्कूल अनुभवों को बात करना, आंखों देखा या सुनी हुई घटनाओं को बारे में अभिव्यक्ति करना, बाल गीत कविता सुनना या कहानी सुनना, यहाँ पर जो है चित्र वर्णन दिए गए शब्दावली कहानी सुनना, रोल प्ले करवाना, सुने हुए विचारों की समीक्षा करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर दिया गया है, कविता है, नाटक है, कहानी है, फिर आपके जो है परिचित संघ समायकिंग विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना आदि रचने उन बढ़ावा को प्रकृति या प्रसिद्धि को प्रस्तुति को अवसर देना, कविताएं, कहानियों और बाल गीतों आदि के उदाहरण आपके प्रारंभिक कक्षाओं में हिंदी के पाठ्यपुस्तकों में भी दिए जाएं। कहने का अर्थ है कि ये जो आपका प्राथमिक स्तर के बच्चों के सुनने और बोलने की क्षमता का विकास कैसे करेंगे इसके बारे में जो आपको जानना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर जो है भाषा सीखने के संकेतक सुनने और बोलने के संदर्भ में, ये भी जो आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपका यूनिट 3 है, यूनिट 3 में आपको जो है इतना ही पढ़ना है। अब हम जो है यूनिट 4 की तरफ चलते हैं। तो यूनिट 4 में जो है आपको 6 पॉइंट जो है पढ़ना है। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं आपको कि यहाँ पर देख लीजिए यूनिट आपको 4, यहाँ पर पढ़ने की क्षमता का विकास क्या है, पढ़ने की क्षमता का विकास, जैसे पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। यहाँ पर हम बात कर ले कि पढ़ने का अर्थ, यहाँ पर शुरुआती पढ़ना क्या है, शुरुआती पढ़ने की चरणबद्ध प्रक्रिया को समझना, जैसे शुरुआती लिखना क्या है, तो यहाँ पर जो है शुरुआती पढ़ना क्या है, शुरुआती पढ़ना क्या है और साथ ही साथ जो है शुरुआती पढ़ना की चरणबद्ध प्रक्रिया को समझना। दूसरा, पढ़ने की प्रक्रिया और विभिन्न सोपान में अनुमान लगाने, अर्थ समझने, लिपि पहचानने और पढ़कर प्रक्रिया देने, पढ़कर सार प्रस्तुत करने का तात्पर्य और महत्व क्या है, समझ गए। पढ़ने की प्रक्रिया और विविध सोपान में अनुमान लगाने, अर्थ समझने, लिपि पहचानने, पढ़कर प्रक्रिया देने और पढ़कर सार प्रस्तुत करने का तात्पर्य और महत्व क्या है, ये समझ में आ गया। आगे की हम बात कर ले यहाँ पर, तो पढ़ने के प्रकार जैसे सस्वर पठन, मौन पठन, गहन पठन, विस्तृत पठन, शब्द और अर्थ का अनुमान लगाते हुए पढ़ना, यहाँ पर स्किप रीडिंग, स्कैनिंग रीडिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, समझ गए, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ जो है इसमें पढ़ना है कि पढ़ने के प्रकार कैसे होते हैं, कोई बच्चा जो है धीरे पढ़ता है, कोई बच्चा जो है तेजी गति से पढ़ता है, कोई बच्चा चिल्ला चिल्लाकर पढ़ता है, तो वही जो है सस्वर पठन, मौन पठन, गहन पठन, विस्तृत पठन, अर्थ के अनुमान लगाते हुए पढ़ना, स्किप राइडिंग, स्कैन राइडिंग, समझ गए, ये सारी बातें इसमें आपको जानना है। फिर अगर हम आगे बात कर ले तो पढ़ना सीखने के विविध तरीके और उनकी समीक्षात्मक समझ के बारे में जानना है, पढ़ना सिखाने के विविध तरीके और उनके समीक्षात्मक समझ के बारे में जानना है। वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, अर्थपूर्ण संदर्भ आधारित उपागम, इसके बारे में जानना है कि वर्ग विधि क्या है, शब्द विधि क्या है, वाक्य विधि क्या है, फिर आपका जो है अर्थपूर्ण संदर्भ आधारित उपागम क्या है, समझ गए। आगे है पढ़ना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बाल साहित्य की भूमिका, पढ़ना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बाल साहित्य की भूमिका क्या है, इसके बारे में जानना है। फिर लास्ट जो आपका है भाषा सीखने के संकेतक पढ़ने के संदर्भ में, समझ गए। तो इतना आपको जो है यूनिट 4, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यूनिट 4 जो है इतना आपको जो है जानना है, सिलेबस यह जो है आपका F8 पेपर का है, समझ गए। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि F8 पेपर में जो है आपको कितना पढ़ना है, टोटल जो है 4 यूनिट पढ़ना है, जिसमें बहुत सारे आपके पॉइंट है, सारे पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा, आप बस पहले सिलेबस को समझे और क्लास जो है डेली बेसिस पर करें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, ओके।